देश में हिंदुत्व को आगे बढ़ाने और युवाओं के भविष्य की दिशा तय करने के साथ ही भारत देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के मुद्दे पर नीलकंठ सेवा समिति संस्थान राजधानी रायपुर में धर्म संसद में चर्चा का आयोजन करने जा रही है। इस धर्म संसद के माध्यम से राष्ट्र निर्माण, देश निर्माण, युवाओं के भविष्य के निर्माण पर चर्चा होगी। उल्लेखनीय है कि धर्म संसद का आयोजन रायपुर के रावण भाटा में 25 और 26 दिसंबर को किया जा रहा है। आयोजनकर्ता नीलकंठ सेवा समिति संस्थान है, जो देश भर के साधु संतों को आमंत्रित की है। बताया जाता है कि धर्म संसद के माध्यम से भारत देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करना, हिंदुओं को एकजुट करना, भारत में हिंदू बोर्ड का गठन करना, सनातन धर्म की रक्षा के लिए धर्म संसद का आयोजन रायपुर में किया जा रहा है। इसके लिए आयोजन समिति ने देश भर के साधु संतों को आमंत्रित किया गया है। इसके साथ परिवार को भी आमंत्रित किया गया है। नीलकंठ त्रिपाठी, आयोजनकर्ता। धर्म संसद 2021 छत्तीसगढ़ का जो हम आयोजन कर रहे हैं, यह जो राष्ट्रीय स्तर के जितने भी संत हैं, भारत देश के संत हैं, उनको हम एक मंच में ला के एकत्रित करके और सनातन धर्म के विस्तार के लिए दिशा निर्देश देने के लिए सभी संतों को एकत्रित कर रहे हैं। और जितने भी हमारी जो युवा पीढ़ी है जो सनातन धर्म के बारे में नहीं जानती है, उनको सनातन धर्म के बारे में यह संत समाज पूरा जानकारी देगा। हम संत समाज को आगे कर रहे हैं कि हमारे सनातन धर्म का विस्तार हो, सनातन धर्म में मजबूती आए। कितने संख्या में पार्टिसिपेट करेंगे जी? कितने संत? लगभग 150 से 200 संत की उपस्थिति अनुमानित आ रही है। प्रदेश के 125 हैं, बाहर से 15 से 20 संतों की राष्ट्रीय संत जो उपस्थित हो। प्रदेश में जो धर्मांतरण हो रहा है उसके खिलाफ भी कुछ करेंगे क्या आप लोग? जी बिल्कुल, जो धर्मांतरण प्रदेश में चल रहा है उस विषय में भी जो कल परिचर्चा होगी उसमें हम बात रखेंगे। जो निष्कर्ष निकलेगा उसका फिर संत उसके व्याख्यान 26 तारीख को करेंगे। सच्चिदानंद उपासने, भाजपा प्रवक्ता। देखिए, आज की आवश्यकता है। धर्म संसद जो है, जिस प्रकार से सनातन धर्म पर प्रहार लगातार हो रहे हैं, सनातन धर्म को एक प्रकार की चुनौतियाँ और चाहे लव जिहाद के माध्यम से चाहे धर्मांतरण के माध्यम से लगातार दी जा रही हैं। ऐसे समय में सनातन धर्मावलंबी और जो हमारे साधु संत हैं वो चुप नहीं बैठ सकते, वो एक चुनौती के रूप में उसको स्वीकार कर रहे हैं। और इसी कारण से इस प्रकार का एक जन जागरण जो है इस धर्म संसद के माध्यम से और करने की एक हम लोगों ने विचार किया और सभी सनातनी इसमें जो है अपने राजनीतिक विचारों को पृथक रख कर केवल सनातन धर्म के लिए हम काम करें। राजनीति अपनी जगह पर लेकिन सनातन पहली जगह, क्योंकि दूसरे धर्मावलंबियों में देखा नहीं जाता कि कोई भारतीय जनता पार्टी का है या कोई कांग्रेस का है, इस विचार से काम नहीं होता है। वो यदि काम करता है तो केवल ईसाई मिशनरी के लिए काम करता है, कोई काम करता है तो केवल मुस्लिम समाज के लिए काम करता है। और इसी कारण से वहाँ पर जो है किसी प्रकार के मतभेद नहीं दिखते हैं। अब ये एक धर्म संसद के माध्यम से, संतों के माध्यम से एक संदेश जो है धर्म अपने सनातन धर्म धर्मों को धारकों को देने की एक पहल हम प्रारंभ कर रहे हैं, उनको एक मंच पर ला रहे हैं और उसके माध्यम से पूरे देशव्यापी संदेश जो है इस आशय का पूरे सनातन धर्म के नौजवानों को, बुजुर्गों को, राजनीतिज्ञों को, सभी धर्म प्रेमियों को देने का एक प्रयास जो है इस मंच के माध्यम से हम करेंगे। फॉर मोर न्यूज अपडेट्स डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। क्लिपर 28।